नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम बात करने वाले हैं हरियाणा में जो CET एग्ज़ाम है उसको लेकर हाल ही में जो एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है, और अगर आप इस अपडेट को देखना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो ये आप देख सकते हैं एक अखबार की यहाँ पर ये कटिंग है, और हरियाणा में जो युवा है ये CET एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे हैं कि इसकी डेट कब आएगी, कब एग्ज़ाम होगा। तो हरियाणा में ग्रुप सी और डी की नौकरियों के लिए CET अब अगस्त में संभव। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पास अगस्त से पहले कोई समय नहीं है। HSC ने CET में फिर कमी बताई, सरकार को भेजी सिफारिश। क्या कुछ पूरा मामला है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हरियाणा में ग्रुप सी और डी की सरकारी नौकरियों की बाढ़ जो रहे बेरोजगार युवाओं को फिर झटका लगा है। इन पदों के लिए पहले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET आगामी जून में करवाए जाना प्रस्तावित था, मगर अब यह टेस्ट आगामी अगस्त में संभव हो सकता है क्योंकि इस टेस्ट को कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पास अगस्त से पहले समय ही नहीं है। हालांकि प्रदेश सरकार की तरफ से टेस्ट जल्द कराए जाने के प्रयास जारी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की भर्तियों की गति तेज करने के लिए लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, मगर पिछले साल जून में CET करवाने की मुख्यमंत्री की घोषणा इस साल भी जून में संभव नहीं लग रही है। दैनिक सवेरा को मिली जानकारी के मुताबिक गत शुक्रवार देर शाम को समीक्षा बैठक में CET करवाने की तैयारियों और तिथि पर चर्चा हुई, तो हरियाणा कर्मचारी चयनों की सचिव ईशा कंबोज ने आयोग की तैयारियां और लगने वाले समय की जानकारी बैठक में दी। तभी एक अधिकारी ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA से भी संपर्क किया, तो NTA की तरफ से आगामी अगस्त यहाँ पर सुझाया गया। कुछ विभागों ने न्यूनतम उम्र 18 साल नहीं की है। हरियाणा सरकार ने एक ही फैसले में भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल कर दी थी, मगर अभी कुछ विभागों में न्यूनतम उम्र 17 साल ही चल रही है। प्रदेश सरकार ने विभागों को निर्देश भी दिए थे कि वे न्यूनतम उम्र 17 से बढ़ाकर 18 साल करने का नियमों में संशोधन कर ले, मगर कुछ विभाग अभी भी संशोधित करने में लापरवाही बरत रहे हैं। यूँ चलेगी विज्ञापन से CET और CET से भर्ती तक की प्रक्रिया। जैसे ही प्रदेश सरकार ग्रुप सी के शैक्षणिक योग्यता को दुरुस्त करती है उसके बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पद विज्ञापित करेगा। इसके बाद उम्मीदवारों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए कहेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद CET का शेड्यूल जारी होगा, ग्रुप सी के लिए और डी के लिए अलग CET होगा। CET स्कोर के बाद आयोग विज्ञापित पदों के लिए ऑप्शन मांगेगा। ऑप्शन के बाद आयोग लिखित परीक्षा के लिए कट ऑफ मार्क्स से ऊपर के आवेदकों को लिखित परीक्षा के लिए आमंत्रित करेगा। दस्तावेज जाँच CET स्कोर के बाद भी की जा सकती है और आयोग की लिखित परीक्षा के बाद भी की जा सकती है। इस पर अंतिम फैसला आयोग उस समय करेगा, उसके बाद मेरिट आधार पर अंतिम चयन सूची जारी हो जाएगी। आयोग एक जैसी शैक्षणिक योग्यता वाले पदों के लिए CET स्कोर के बाद एक ही परीक्षा आयोजित कर सकता है। तो क्या कुछ है यहाँ पर खामी वगैरह, तो CET में HSC ने फिर से निकाली खामी, प्रदेश सरकार को भेजा सुझाव। तो ग्रुप सी और डी पदों पर भर्ती करने के लिए प्रदेश सरकार ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आवश्यक रखा है। इसके लिए CET पॉलिसी 10 सितंबर 2021 को जारी की गई थी। इस पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने कुछ आपत्तियां जताई और सुझाव दिए। इसी बीच सरकार ने सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक 10 से घटाकर 5% कर दिए। इसके बाद CET पॉलिसी के कुछ बिंदुओं में सुधार किया गया और 10 मई 2022 को संशोधित पॉलिसी जारी कर दी गई। जारी होते ही हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी की कुछ पोस्ट की शैक्षणिक योग्यता 10.2 करने पर आपत्ति जता दी। आयोग ने प्रदेश सरकार को भेजे सुझाव में कहा कि ग्रुप सी के कुछ ऐसे पद हैं जिनकी शैक्षिक योग्यता 10वीं है, इसलिए ग्रुप सी के लिए 10.2 की योग्यता 10वीं कर दी जाए। इस पर शुक्रवार को बैठक में फैसला हुआ कि ग्रुप सी के लिए शैक्षणिक योग्यता 10.2 ही रहेगी, मगर किसी के पास अगर 10.2 के बराबर योग्यता है तो वह भी CET के लिए पात्र होगा। कुछ तकनीकी पदों के लिए ITI में 10वीं के आधार पर दाखिला मिलता है, जबकि ये तकनीकी पद ग्रुप सी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि हरियाणा में 10वीं के पास किए गए डिप्लोमा को 10.2 के समकक्ष माना हुआ है, इसलिए तकनीकी पद वाले 10वीं पास उम्मीदवार भी ग्रुप सी के CET के लिए पात्र हो जाएंगे। अलबत्ता ग्रुप सी टेस्ट के लिए हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न अब 10वीं स्तर तक ही पूछे जाएंगे, पहले स्तर 10.2 तक था। इस संशोधित अधिसूचना के बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अगली प्रक्रिया शुरू करेगा। तो ये तो यहाँ पर साफ हो जाता है कि आपकी जून में होने वाली परीक्षा संकट के बादल उस पर छाई हुए हैं, तो आगे अगस्त में होने की यहाँ पर संभावना जताई जा रही है। तो ये जो है यहाँ पर CET को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट
सामने आई है। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इस प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए और हमारे साथ अंत मनाने के लिए। धन्यवाद।